G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले विदेशी मेहमानों के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। BIP रोड के डिवाइडर को खूबसूरत फूल पत्तियों से सजाया जा रहा है, रंगाई पुताई कराई जा रही है। योगी सरकार आने वाले मेहमानों का स्वागत भव्यता से करना चाहती है। G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां पूरी जोरों पर हैं। आप देख रहे हैं VIP रोड है, जिसे माल रोड भी कहा जाता है, और यहाँ जो सौंदर्यीकरण का काम है, प्लांट, सीजनल प्लांट जिसे बोलते हैं, सीजनल प्लांट लगाए जा रहे हैं, ताकि जो डेलीगेट्स आए वो उनको आकर्षित कर सके और उनके स्वागत के लिए यहाँ जो है सीजनल प्लांट्स कितने, मैं अपने कैमरामैन इकबाल से कहूँगा कि जरा दिखाएं कि किस तरह के फूल लगाए जा रहे हैं, फ्लावर्स लगाए जा रहे हैं, जो काफ़ी खूबसूरत हैं, सुंदर हैं। लोग और डिवाइडर को रंगा जा रहा है, डिवाइडर की रंगाई पुताई हो रही है, ये काम उद्यान विभाग भी करा रहा है और लोक निर्माण विभाग भी डिवाइडर पर रंगाई पुताई का काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात, जो डेलीगेट्स हैं वो VIP रोड पर आएंगे, ताज कन्वेंशन हॉल जाने के लिए यही रास्ता है, एयरपोर्ट से लेकर ताज कन्वेंशन होटल तक यही मार्ग यूज़ किया जाएगा। प्रशासन कोई कमी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता। मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले प्रतिनिधि हैं, डेलीगेट्स हैं, उनका स्वागत जोरदार होना चाहिए, उनका स्वागत भव्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी भी बराबर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है, और डिवाइडर पर इतने खूबसूरत फूल जो लगे हैं, शायद ये पहली बार, अगर ये हमेशा इस तरह से डिवाइडर को सजाया जाए तो एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा।